चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में पंजाबी विभाग की स्थापना को लेकर आज राजकीय कॉलेज सेक्टर 46 चंडीगढ़ के सहायक प्रोफेसर पंडित राव धनेश्वर ने विश्वविद्यालय में धरना देकर पंजाबी विभाग की स्थापना की मांग की। पंडित राव धनेश्वर ने कहा कि विश्वविद्यालय में एक लंबे समय से पंजाबी विभाग की स्थापना की मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पंडित राव धनेश्वर ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मांग की जा चुकी है, मगर कोई समाधान नहीं हुआ। इसी के चलते उन्हें अब धरना देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हरियाणा को एक मांग पत्र सौंपते हुए मांग की थी कि हरियाणा साहित्य अकादमी की अलग अलग अकादमी के निदेशकों की नियुक्ति के लिए आग्रह किया गया था, मगर उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। जी, सब तो वध पंजाबी बोलने वाले इस था थे सिरसा दे शहर थे, जेकर पंजाबी भाषा की सत्कार नहीं होंगी बहुत वड्डी पाप है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी दे विच पंजाबी विभाग ना होना ये बहुत वड्डी भाषा ले धोखा दी गल है, इसलिए बेनती कर रहे हैं से कि पंजाबी भाषा की इत्थे विभाग खोलन की लोड़ है ताकि पंजाबी भाषा की प्रगति होवे, पंजाबी भाषा की तरक्की होवे, भारतीय भाषावाद की तरक्की होवे। इसलिए मैं असी इत्थे बैठ के धरना ते बैठ जी बिल्कुल 6 महीने तो पहले भी इत्थे आके असी बेनती की सी, उस तो बाद भी सरकार इसते गौर नहीं की है, पर मैनू लगता है हुण खट्टर साहब मानयोग मुख्यमंत्री इसते गौर जरूर करेंगे। क्यों सिरसा से आजाद टीवी न्यूज़ के लिए सुरेन सावंत की रिपोर्ट।